की दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया में दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया में दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया में दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया कछु हरे गुण गाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया में हरे गुण गाए ले जाई बगिया में दोपहरी बिल माए ले जाई बगिया में चलत चलत मेरी परियां पिरानी चलत चलत मेरी परियां पिरानी आएगा बूढ़ा को ढल गई जवानी आएगा बूढ़ा को ढल गई जवानी जो लाए सो खाए ले इस तरह से पंडित जी बाई बगिया में उसी बगिया में ब्राह्मण देव सो जाते हैं और ब्राह्मण देव जब सो जाते हैं भगवान कन्हैया ने देखा है कि रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण सो रहा है तो मेरे भगवत श्रोताओं भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने पंडित जी को वहां से उठवाया और द्वारका की बगीचे में पंडित जी को लिटा दिया और ये 5,000 रुपए बद्री प्रसाद भंडारे में दान कर रहे हैं जो मढ़ी के रहने वाले हैं 5,000 रुपए बद्री प्रसाद भंडारे में दान कर रहे हैं जो मढ़ी से हैं 100 रुपए से हमें सम्मान किया है देवेंद्र यादव और 10-10 रुपए हमारे समस्त साथियों को कलश भरने वाली कन्या और संत भगवानों को सम्मान करेंगे भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे बोल गोविंद भगवान की। अब पंडित जी द्वारका में पहुंचे हैं सवेरों भव पंडित जी की आंख खुली द्वारका का जो माली था माली से पूछा भैया जी कौन सो नगर है जवाब दिया ये है द्वारका 6। अब पंडित जी घबराए गए ले जहां तो 6-6 द्वारका है हमें तो एक द्वारका में जाना है माली कहने लगा पंडित जी ये वही द्वारका 6 जिसमें रहते कृष्ण 6। पंडित जी बोले ले जहां 6-6 द्वारका 6-6 कृष्णा अब कौन से कृष्णा के पास में जाकर लव लेटर लेके जाऊं तो मेरे भगवत श्रोताओं माली समझ गया माली कि ये ब्राह्मण पूर्वी इलाका का है तो जवाब दिया तुम्हें मालूम नहीं पंडित जी ये वही द्वारका है जिसमें द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं। पंडित जी कान लगे तब से तू जा मैं छक्काड़ो काय को फिट करे हो जवाब दो महाराज हमारे गुजरात में है की जगह पर 6 भाषा का प्रयोग करते हैं और तुम्हारे पूर्वांचल में 6 की जगह पर है का प्रयोग करते हैं। माली लेके गया है पंडित जी को भगवान कन्हैया का दरबार लगा हुआ है भगवान मुरली मनोहर घनश्याम सिंहासन पर आरूढ़ हैं
माली ने दूर से ही बताया, देखो मोई कन्हैया बैठे हैं सिंहासन पर। अब पंडित जी ने दूर से कन्हैया की तरफ देखो तो पंडित जी सोचने लगे, बिटरिया बिल्कुल पागल है, रुक्मिणी बिल्कुल ठगी गई, रुक्मिणी हमारी कितनी मलूक है, और जो बालका तो बिल्कुल करुआ है कारो, बताओ जाई के लिए मरी जा रही थी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो फांसी लगा लूंगी, लड़का बिल्कुल कारो है। और भगवान कन्हैया ने तब तक पंडित जी के हृदय की बात समझ ली तो भगवान मुरली मनोहर घनश्याम मंद मंद मुस्कराने लगे, और जैसे कन्हैया मुस्कराए वैसे पंडित जी के करंट सो लगो, लड़का तो कारो है लेकिन छवि बहुत बढ़िया है। अब तो वही पत्र लेके रुक्मिणी बाला और कन्हैया को थमा दिया। कन्हैया बोले, पंडित जी तुम कहां से आए हो? जवाब दिया है, मैं क्या बताऊं कहां से आया हूं। तो पंडित जी कहने लगे कि पंडित ने कहा है बनवारी, हम कुंदनपुर से आए हैं, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है उसका संदेशा लाए। बोले हैं पंडित जी, पंडित ने कहा हो गिरधारी, ओ ब्राह्मण ने कहा है बनवारी, हम कुंदनपुर से आए, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है उसका संदेश लाए हैं। इस तरह से ब्राह्मण ने कहा है कि हम कुंदनपुर से आए हैं, महाराज भीष्म की बेटी जो रुक्मिणी है वो तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुकी है, उसका संदेश हम लेके आए। मेरे भगवत श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण को समझा दिया, पंडित जी ये बात मेरे बड़े भैया बलराम को न मालूम पड़ जाए। सारी रात तो पंडित जी ने विश्राम किया, सवेरा हुआ तो पंडित जी कहने लगे, कन्हैया अब हम तो जाएंगे। कन्हैया कहने लगे, पंडित जी अब हम कैसे पहुंच पाए, बलराम भैया हमें इजाजत नहीं देते हैं, जब आप दे कोई उपाय बताओ। कन्हैया बोले, एक उपाय है, तुम कुछ नकटोरो कर लेता हो। नकटोरो? हाँ नकटोरो तुम बताओ तो कर लेंगे हम। नकटोरो तुम कर ले, जैसे यहां से बलराम भैया तुम्हें विदा करेंगे ठीक, तो तुम थोड़ी दूर चलना, फिर पहले खांसियो, फिर कमर पकड़ियो, तुम्हारी मेरी नहीं तुम अपनी, अच्छा पैसे जुटल मुटल, हाँ ठीक, फिर और कमर पकड़ के जमीन पे गिर पड़ियो, फिर और कहियो का करे चलो न जात, बुढ़ापे की हालत है, परियां चट्टी चट्ट करती है, जहां से बढ़िया भगवान हमारी माटी समेट ले। तुम्हारी मेरी नहीं तुम अपनी, पैसे झूठ मूठ, झूठ मूठ और धोखे में चले हैं तो झुटल मुटल ठीक ठीक ठीक। बलराम कहने लगे, देखो पंडित जी, बोलिए, हमारे तो सभी काम ब्राह्मणों के द्वारा ही होते हैं, ब्राह्मण हमारे लिए माननी सम्माननी है, इसलिए अब समय समय पर आप घूम जाया करना ठीक, और अब आप जाओ ठीक, अब हम जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। अब पंडित जी चले और केवल 10 खेत निकल पाए, तैसे ही कन्हैया ने हमसे कुछ कहा था, पहले क्या कहा, खांसना क्या करें, मुंह पे चलो न जात, मेरी बुढ़ापे की हालियत है, ताते तो अच्छी प्रभु मेरी मट्टी, धरती पे ते ऊपर उठाई ले। हाय दैया,
और जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुनी और तैसे ही भगवान कन्हैया कहने लगे, बलराम भैया देख ले पंडित बूढ़ो है, पंडित पे चलो न जात, ऐसो न हो क्यों पंडित जी आज द्वारिका में मत जाए। अगर द्वारिका में ये ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने जब कहा है और ये ललिता यादव आरपीएफ 100 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे, 50-50 रुपए हमारे समस्त साथियों को सम्मानित कर रहे हैं, 10-10 रुपए से कलश भरने वाली कन्याएं और एक एक स्टॉल कलश भरने वाली कन्याओं को, और 10-10 रुपए सभी संत भगवानों को दान में दे रहे हैं। अंकित यादव जी मढ़ी 100 रुपए से हमें सम्मान किया है, 20-20 रुपए से हमारे समस्त साथियों को और 10-10 रुपए से कलश भरने वाली कन्याएं और संत भगवानों को सम्मान कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। बोले गोविंद भगवान की। इधर मेरे भगवत श्रोताओं, बलराम से इजाजत लेने के बाद में भगवान कन्हैया ने अपना रथ तैयार किया है और रथ में पंडित जी को बिठाया और भगवान कन्हैया ने रथ को आकार भगवान कन्हैया ने रथ आकाश में उड़ा दिया। और कैसे आकाश में उड़ाया, एक गीत चलो तो कुछ दिन पहले, और वो गीत बहुत हिट भव तो गली गली में बच्चे भी गुनगुनाने लगे थे। लांगुरिया ने पंप चलाए दे, हवा ने करी यही पैया की, लेकिन लांगुरिया ने तो पंप चलाई लेकिन सामरिया ने जंप लगाई रथ में, याद रखना भाइयों। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।